देश में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए तेजी से कोविड वैक्सीन का उत्पादन और टीकाकरण करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में अभी दो कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के प्रयोग अभी भी जारी हैं। इंजेक्शन की जगह नेजल फॉर्म में कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर तेजी से काम चल रहा है। बीते दिन अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेजल वैक्सीन का जिक्र किया था। आइए जानते हैं कि क्या है नेजल वैक्सीन और मौजूदा वैक्सीन से ये कैसे अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के प्रयोग जारी हैं। नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च हो रही है। इसके चलते वैक्सीन को सिरिंज से न देकर नाक से स्प्रे किया जाएगा। अगर टेस्ट में कामयाबी मिली तो वैक्सीनेशन की मुहिम में और तेजी आएगी। कैसे काम करती है नेजल वैक्सीन? नेजल स्प्रे वैक्सीन को इंजेक्शन की बजाय नाक से दिया जाता है। ये नाक के अंदरूनी हिस्से में इम्यून तैयार करती है। इसे ज्यादा कारगर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कोरोना समेत हवा से फैलने वाली अधिकांश बीमारियों के संक्रमण का रूट प्रमुख रूप से नाक ही होता है और इसके अंदरूनी हिस्से में इम्यूनिटी तैयार होने से ऐसे बीमारियों को रोकने में ज्यादा असरदार साबित होती है। नेजल वैक्सीन के फायदे। नंबर एक, इंजेक्शन से छुटकारा। नंबर दो, नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण होने का खतरा घटेगा। नंबर तीन, इंजेक्शन से छुटकारा होने के कारण हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। नंबर चार, बच्चों का टीकाकरण आसान होगा। नंबर पाँच, उत्पादन आसान होने से दुनिया भर में डिमांड के अनुरूप उत्पादन और सप्लाई संभव होगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।